कोरोना महामारी के बीच ग्रामीण युवा रक्तदान के लिए निरंतर आगे आ रहे हैं। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन रक्तदाता टेम्बागोर ने रक्तदान की पहल करते हुए 41 यूनिट रक्तदान किया। फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजय वर्गिया ने बताया कि फाउंडेशन की हर पंचायत रक्त पंचायत अभियान के तहत आयोजित शिविर में फाउंडेशन के बागोर कोऑर्डिनेटर राहुल छापरवाल, आशीष वैष्णव, विवेक सेठिया ने नेतृत्व में 31 युवाओं में महात्मा गांधी ब्लड बैंक की वातानुकूलित रक्तवाहिनी में रक्तदान कर कोरोना कर्मवीर की सेवाओं को समर्पित किया। इस अवसर पर कोरोना फाइटर कांस्टेबल श्रवण चावला, महिला शक्ति केशर देवी वैष्णव, सावित्री देवी वैष्णव ने रक्तदान किया। फाउंडेशन के बावलास कोऑर्डिनेटर प्रहलाद की ने जन्मदिन पर अनूठे अंदाज में मनाते हुए 10 साथियों सहित भिलवाड़ा पहुँच रक्तदान किया। सचिन वैष्णव, शुभम शर्मा, घनश्याम देवपुरा, घनश्याम ओझा, हेमेंद्र ओझा, सचिन चंदेल ने रक्तदान करने के साथ ही सक्रिय सहयोग प्रदान कर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। कोरोना महामारी के बीच ब्लड बैंकों में बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बड़े बड़े कैंपों को सरकार ने अनुमति नहीं प्रदान करी। इसी के चलते रक्त की कमी की पूर्ति हेतु महात्मा गांधी ब्लड बैंक की टीम द्वारा आज सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन और रक्तदाता टीम बागौर के सहयोग से 30 यूनिट की हमें अनुमति मिली है और 30 यूनिट रक्त संग्रहण रक्तवाहिनी जो कि फुली एयर कंडीशन रक्तवाहिनी के अंदर 30 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। और ये 30 यूनिट रक्त संग्रहण हर गांव में हमने अभी लक्ष्य बना रखा है, हफ्ते में एक या दो रक्तदान शिविरों का आयोजन जिले के गांवों के अंदर आयोजित करके